स्टूडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण पब्लिकेशन के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित एसटेट के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा क्लास 9-10 पेपर 1 सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे और इस बुक में दोस्तों इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के आपको प्रीवियस ईयर पेपर साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे इन सभी सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पे दोस्तों 2020 तक के आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। अगर दोस्तों हम बात करें इस एग्जाम पैटर्न के बारे में इसके, तो पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको कॉमन शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता परीक्षा पे आधारित होंगे। इस प्रकार पेपर 1 में आपके 150 क्वेश्चन बनेंगे। अगर बात करें इस बुक के एमआरपी के बारे में, तो इस बुक का एमआरपी 425 रुपए, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिलेगा और बुक का कोड दोस्तों 4432 देखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इस बुक में नंबर ऑफ पेज आपको 504 आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ये किरण पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों। पहले पेज को दोस्तों देखिएगा तो एसटेट के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा क्लास 9-10 पेपर 1 सब्जेक्ट के लिए सामाजिक विज्ञान का ये प्रैक्टिस वर्कबुक है दोस्तों। इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेंगे, कुल मिलाकर 18 सेट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट और 3 आपको प्रीवियस ईयर पेपर और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया गया और किरण पब्लिकेशन का ये बुक है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने बता दिया एमआरपी 425 रुपए, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर हम देखें दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इस एग्जाम के बारे में महत्वपूर्ण आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा। उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र, उसके बाद इतिहास, भूगोल, यहाँ पे इस तरह से सारे सेट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सारे कंप्लीट सेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 15 सेट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 सेट आपको प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्जाम को शामिल किया गया। जैसे दोस्तों देख सकते हैं 17-2 को ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, उसके बाद 28-2 को ऑफलाइन एग्जाम हुआ था और 16-9 को ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो ये तीनों सेट आपको देखने को मिल जाएंगे एक ही बुक के अंदर। उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो आयोजित किया जाने वाला है इस बार 2023 में, उसके यहाँ पे सारे कुछ बेसिक जानकारी को यहाँ बता दिया गया है कि क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कैसे आपको तैयार करना है, सारा कुछ आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो आगे दोस्तों देखिएगा यहाँ पे ये जो बुक है दोस्तों कंप्लीट सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को कवर करता है, मतलब एसएसटी को कवर करता है। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें पहला सेट है, यहाँ पे पहला सेक्शन है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। तो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कक्षा में नौचार का मतलब क्या होता है। ठीक है, डैश चरण के दौरान अवेशन सबसे महत्वपूर्ण है, तो सभी क्वेश्चन आपको शिक्षा से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षा संबंधी बोर्ड बिहार से संबंध नहीं रखता है। डिसिप्लिन जो शब्द है, मतलब कौन से लैटिन भाषा शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एजुकेशन से रिलेटेड। जीके जीएस के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद मैथ्स के भी वेटेज काफी अच्छे हैं, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 26 से दोस्तों देख सकते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। यहाँ पे कुल मिला के 50 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन लगभग मैथ्स रीजनिंग के आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। उसके बाद इतिहास के यहाँ देखेंगे तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ राहुल स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन आप दोस्तों देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन प्राचीन भारत का है, आधुनिक भारत का ये वास्को डी गामा वाला क्वेश्चन है, शेरशाह वाला मध्यकालीन भारत हो गया, फिर प्राचीन भारत हो गया, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद भूगोल का आपको देखने को मिलेगा। भूगोल में आपको सबसे पहले पूछा गया कि ज्वार भाटा में समय अंतराल कितना होता है, तो ये विश्व का भूगोल हो गया। भारत का भी भूगोल आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ये मध्य भारत में मिला के यमुना में मिलने वाली नदी नियुक्ता में कौन सी है, तो ये आपसे भारत का ज्योग्राफी यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इतिहास में 50 क्वेश्चन, भूगोल में भी 50 क्वेश्चन, मतलब कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा। उसके बाद दोस्तों राजनीति शास्त्र में दोस्तों देखेंगे तो राजनीति शास्त्र में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, राज्यसभा में के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो सभी बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन है देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के। और टोटल यहाँ पे अगर बात करें तो 101 से लेकर 150 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चुनना होगा एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में भी आपको 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले और अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। जैसे भारत की मुद्रा प्रणाली का दसवींकरण कब हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, तो इस तरह से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों देखेंगे कि शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिले, उसके बाद इतिहास में 50 क्वेश्चन, भूगोल में 50 क्वेश्चन, राजनीतिक शास्त्र में 50 क्वेश्चन, ठीक है 101 से लेके, उसके बाद अर्थशास्त्र में 50 क्वेश्चन, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आंसर की दोस्तों देखेंगे तो डिटेल सॉल्यूशन है और एक क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर को इन्होंने अपने बुक के अंदर शामिल किया हुआ है। ठीक है, और मैथ्स वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दोस्तों देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और आपको समझ में आने वाला है। इतिहास के क्वेश्चन को दोस्तों देख सकते हैं कि अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहते हैं, तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बुक आपके एग्जाम के हिसाब से तैयार किया गया और बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों, हर एक चीज का यहाँ इस बुक के अंदर ध्यान रखा गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको आगे भी सेट देखने को मिलने वाला है। चलिए हम दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर सेट को देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर को अगर हम देखें पेज नंबर 435 में चलते हैं, पेज नंबर 435, उसके बाद 478 में चलेंगे, पेज नंबर 435 यहाँ पे आ गया, पेज नंबर 435। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले शिक्षण कला रीजनिंग आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको मिक्स देखने को मिलने वाले, जैसे ट्यूशन या अन्य कोचिंग क्लासेज
संबंध में आपके क्या विचार है। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के आपको आंसर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको शिक्षण कला में देखने को मिलेंगे। और मैथ्स रीजनिंग तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से विटामिन का है, ये साइंस का क्वेश्चन है। इस तरह से आपको जीके जीएस भी इसमें शामिल किया गया है, करंट अफेयर भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेट देखने को मिलने वाला है दोस्तों शिक्षण कला में। एक शिक्षक के रूप में छात्र किस व्यवहार को आप गंभीर मानेंगे, छात्र की किस व्यवहार को आप गंभीर मानेंगे। तो क्वेश्चन का कलेक्शन दोस्तों काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है इस बुक के अंदर। अगर दोस्तों देखिए अगला सेट है यहाँ पे राजनीति के विज्ञान हो जाएगा। तो राजनीति रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है, तो ये राजनीतिक शास्त्र का हो गया, मतलब इंडिया पॉलिटिक्स से पॉलिटी से क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स का हो गया, उत्पाद एवं अन्य गन्ना विधि वार्षिक दृष्टिकोण नेटा से है। तो ये सब क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भूगोल आपको देखने को मिलेंगे। भूगोल में भी काफी अच्छे तरीके से सारा कुछ कवर किया गया, जैसे महासागर के सबसे कम गहरे हिस्से को क्या कहते हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र के 50 क्वेश्चन, भूगोल के यहाँ पे 50 क्वेश्चन, इतिहास के यहाँ पे 50 क्वेश्चन, जैसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो इतिहास के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी सेक्शन के 50 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। चार सेक्शन है, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल, ठीक है। सभी के 50-50 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको शिक्षण एवं कला, शिक्षण कला एवं रीजनिंग का सेट है उसको एक्सप्लेन किया गया, उसके सॉल्यूशन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको राजनीतिक विज्ञान को एक्सप्लेन किया गया, उसके बाद आपको अर्थशास्त्र, उसके बाद लास्ट में भूगोल। तो इस तरह से सेक्शन वाइज इन्होंने क्या किया, आंसर दे दिया है, ठीक है। और डिटेल सॉल्यूशन इतिहास का भी देखने को मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी दोस्तों आपने देख लिया। चलिए हम दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे अंतिम सेट को देखते हैं जो कि ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। तो ऑनलाइन वाला सेट पेज नंबर दोस्तों यहां से हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन वाला सेट कितने पेज नंबर में है। तो पेज नंबर 469, चलिए निकालते हैं पेज नंबर हम 469। अब दोस्तों देखिएगा कि सबसे पहले 16/9/2020 चैप्टर 1 का ये पेपर है, बिहार शिक्षक पात्रता सामाजिक विज्ञान परीक्षा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला सेक्शन है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या होते हैं, शैक्षणिक निर्देशन की आवश्यकता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे सारा कुछ मिक्स है। अगर देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जीके जीएस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, काफी सारे क्वेश्चन है। मैथ्स रीजनिंग को थोड़ा कम कर दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ, ये 36 भी मैथ्स है। तो 36 से लेकर 50 तक आपको मैथ्स रीजनिंग आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इतिहास आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास के आपको यहाँ पे कुल मिला के कितने क्वेश्चन है, इतिहास के 50 क्वेश्चन है। भूगोल के कितने क्वेश्चन है, भूगोल के अगर आप देखेंगे तो भूगोल के भी 50 क्वेश्चन है। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र है तो राजनीतिक शास्त्र के भी यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, और अर्थशास्त्र के भी यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट को यहाँ कवर किया गया और सारे सब्जेक्ट का आपको आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इस बुक के अंदर दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर को और साथ में प्रैक्टिस वर्क बुक दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलने वाला है एक ही बुक के अंदर। ये बुक मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बिल्कुल परचेज करना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित यही एक बुक है। तो इस बुक को दोस्तों आप ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।